अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मुजाहिदीन हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ खादिम हुसैन रिज़वी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह को इतनी ज़्यादा आवाम क्यों चाहती है, तो इसके लिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। वो ये है कि अमीरुल मुजाहिदीन हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ खादिम हुसैन रिज़वी साहब का ये इखलास था, और उनके इखलास और उनके इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दीन के साथ इखलास और इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें यह मकाम अता फ़रमाया। वैसे तो इल्म जानने वाले उलमा हमें तो हर तरफ नज़र आते हैं, और उलमा का अदब भी करना चाहिए जो अहले हक हैं, लेकिन इस आलिम का इतना अदब क्यों किया गया ये आप समझ सकते हैं कि इनका एक तो दीन के साथ खलूस था और दूसरा इश्क की बुनियाद थी, और इन्होंने जिहाद का अलम उस वक्त बुलंद किया, इस जिहाद का नारा उस वक्त लगाया जबकि इस पर पाबंदी पूरे आलम में लगी हुई थी।